मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन पुराने और जर्जर सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं हो पाया है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से सामने आया है। बता दें, सीहोर के नरवर का ये मामला है, जहां शासकीय विद्यालय में सिस्टम की जर्जर हालात देखी जा सकती है, जहां शासकीय विद्यालय की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर है। यहां पर बच्चे एक क्लास में झुंड बनाकर पढ़ने को मजबूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नरवर में प्राथमिक विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग का क्या हाल है। इस बिल्डिंग के चार कमरे 22 सितंबर 2021 को गिरकर खंडर में तब्दील हो गए, बाकी के कमरे मरम्मत की कगार पर है। बिल्डिंग गिरने के बाद भी मिडिल स्कूल के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन वहां कुछ कमरों में ताला लटका हुआ है। जगह ना होने के कारण कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के 550 बच्चों को पिछले साल से बरामदे में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन यह वरिष्ठ अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रही है और ना ही बिल्डिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो बेटा, यहाँ पे आपको पढ़ने में क्या परेशानी आती है? कोई आती है परेशानी? हाँ, कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं। ओ अच्छा, ये जो कमरों में आपको टीचर पढ़ाते नहीं है, यहाँ पे पढ़ाते हैं बरामदे में बैठ के, तो क्या चक्कर है, क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि क्लास में जगह नहीं है सर। एक तो यहाँ क्या है कि बच्चों की स्ट्रेंथ अधिक है विद्यालय में सर, 353 बच्चे हैं और इतनी क्लासरूम नहीं है सर, और कुछ क्लासरूमों में जैसे पढ़ाते हैं सर, और कुछ क्या है, एक दो सामान रखा हुआ तो वो लॉक है सर। 22 सितंबर 2021 में सर ये बिल्डिंग गिर गई थी, कोई निर्माण कार्य नहीं किया कराया गया है। हमने लिखित में दिया था बीआरसी महोदय जी को, तो उनने बोल रहे थे कि हमने ऊपर भेज दिया है, लेकिन आज दिनांक तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई निर्माण कार्य किया गया है सर। यदि इस तरह की कोई बात है, बिल्डिंग नहीं है या बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण है, तो इसके लिए प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा, इंजीनियर के संज्ञान में भी ये बात दी जाएगी, ताकि वो प्रयास करें और शीघ्र ही यदि ऐसी कोई अव्यवस्था है तो उसको उसका निराकरण करें।